फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग प्रेरणाज लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ नया और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो थोड़ा किचन में स्टेप है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। आइए मैं दिखाती हूँ आपको क्या बनाते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ गोल पापड़ी। तो पहले मैं शूट करना भूल गई तो थोड़ा अवॉइड करी। इसमें मैंने डाला है ऑयल और घी को मिक्स्ड, और फिर डाला है मैंने आटा। अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ बेसन। तो रेशियो ऐसा होना चाहिए, और पहले आप देख लीजिए कि इस तरीके से डिप होना चाहिए आपका आटा और बेसन। अभी मैं इसमें बेसन मिक्स नहीं किया है, सिर्फ आटा है। और डेढ़ कटोरी आटा और हाफ कटोरी बेसन, ये आपका मेजरमेंट रहना चाहिए। और इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आपका आटा और बेसन मिक्स होना चाहिए। तो अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ बेसन। ठीक है, सेम मेजरमेंट इसका प्रॉपर लेना है। तो इसमें मैंने हाफ कटोरी, ये मैंने डेढ़ कटोरी आटा लिया था और अभी हाफ कटोरी बेसन लिया है। तो आप छोटा बड़ा जो भी मेजरमेंट, मैं थोड़ा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी बेसन। तो यहाँ हम डालेंगे अब बेसन। अगर आपको ऑयल या घी जो भी कम लगे तो आप फिर से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी मैंने जैसे बताया, मुझे अभी जैसे अभी मैंने बेसन ऐड किया है तो मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं फिर से ऐड करूँगी इसमें। पहले मिक्स करके देन आई ऐड। तरीके से मैंने ना प्लेट्स को ग्रीस कर दिया है। मेरे पास ये वाली प्लेट्स थी, आपके पास वो कान वाली आती है ना जो पहले के ज़माने में ग्रीस करके, वो समझ गए ना कौन सी वाली प्लेट्स, वो वाली प्लेट्स हो तो उसको आप ग्रीस करके रखें। और अगर ज़्यादा लगेगी तो उस समय ज़्यादा एक कर दूँगी। भुन चुका है इस तरीके से, देखिए कलर इससे ज़्यादा नहीं डार्क करना है मुझे, बिल्कुल परफेक्ट कलर है जैसा मुझे चाहिए। आप चाहिए तो और डार्क कर सकते हैं, लेकिन दिस कलर इज परफेक्ट। क्योंकि अगर अब जब हम गुड़ डालेंगे तो भी कलर चेंज हो जाएगा। ये गुड़ मैंने काट दिया है छोटा छोटा, आप चाहिए तो घस भी सकते हैं, बट कट कर देंगे तो भी बेटर है। अभी हम कर देंगे गैस ऑफ। गुड़ का रेशियो जो होना चाहिए, रेशियो थोड़ा ऊपर दिखा दे बेटा, गुड़ का रेशियो होना चाहिए ढाई कटोरी आपका, यानी डेढ़ कटोरी आटा एक कटोरी बेसन। तो आपका गुड़ होना चाहिए दो कटोरी। ठीक है, तो अब हम इसमें डालेंगे गुड़, लेकिन गैस ऑफ करने के बाद, क्योंकि ये बहुत गर्म है जो ये आपका जो बैटर है ये बहुत गर्म है। तो ना गुड़ आपका पूरा नहीं हो कड़क हो जाएगा आपका, जो आपका ये जो बैटर बनेगा ना गुड़ पापड़ी आपको बहुत कड़क बन जाएगा। तो ये आपका टिप है कि आपका गैस ऑफ करके ही आपको गुड़ डालना है। तो चलिए फटाफट से गुड़ डालते हैं। तो गुड़ को काट के रखा है तो पहले मैं डाल दूंगी एक, और फिर फटाफट से दूसरा डाल देंगे। दो कटोरी गुड़ डाल दिया है, इसे कमल हुआ। और फटाफट से हम अब इसे करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। तो ये देखिए आप, ये गुड़ पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया है और अभी ये कड़क होना स्टार्ट हो गया है। आपको बहुत जल्दी जल्दी से आपको ये हिलाना है। मेरी हालत देख सकते हो आप, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं बची है कि मैं इसको इस तरीके से कर पाऊँ। ओह माय गॉड, तो आपको फास्ट फास्ट होना है क्योंकि मैंने क्वांटिटी में बनाया है, इस वजह से मेरा ये थोड़ा सा हाल हो रहा है। चलिए अभी फटाफट इसे सेट करते हैं थालियों में। बड़ी है खसखस, तो आज अभी मैं डालूंगी इस पे खसखस। Thank you.
फ्रेंड्स, आज अभी हमारा हो गया है रेडी गोल पापड़ी, तो ये अभी मैं इसके पीसेस नहीं निकालूंगी। ऐसी चीजें बच्चों को देनी चाहिए, तो चलिए आप ट्राई करिएगा और बहुत यम्मी रहती है। चलिए, बाय बाय फ्रेंड्स।